मुजफ्फरपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। उसके बाद शव को उसके समीप एक पेड़ से लटका दिया। जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि मामला जिले के तुर्की थाना क्षेत्र का है, जहां के छाजन निवासी उमेश लाल भगत का 21 वर्षीय पुत्र गौरव खाना खाकर सोने चला गया। रात करीब 11 बजे किसी अज्ञात नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आया, जिसके बाद वो अपनी माँ को बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जिसके बाद गौरव घर से निकल गया। काफी देर होने के बाद भी गौरव घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने गौरव की खोजबीन शुरू की, लेकिन गौरव का कुछ पता नहीं चला। वही मंगलवार की अहले सुबह ग्रामीणों ने गाछी में गौरव के शव को पेड़ से लटका हुआ देखा। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी गौरव के परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। शव को देखते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मामले की जानकारी तुर्की थाना की पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। उसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर जांच पड़ताल की। मौके से कई साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस ने मौके से गौरव का मोबाइल, गमछा समेत कई सामान जब्त किया। इधर गौरव की मां इंदल देवी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग गौरव को धमकी दिए थे कि उसकी हत्या कर देंगे, जिसको लेकर कोर्ट में शिकायत भी किए थे। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सब आदमी कहले रहलक कथी कि तोरा हम बोलू कहियो बोलू तोरा खतरा कर देबो बोलू उठवा देबो बोलू। कौन दुश्मनी की है? जयप्रकाश भगत है, एमे एगो चंद्र किशोर भगत है, एगो अरुण भगत है, एगो मंटू भगत है, एगो देवीलाल के बेटा है छोटू भगत है। अगला आदमी से बतियाला का जन बढ़म थे कि तोरा कहियो न कहियो हम बोलू उठवा देबो बोलू कहियो खत्म कर देबो बोलू। कौन है लोग? ये देवीलाल के बेटा है छोटू कुमार है, बतियाला का जन बढ़म स्थान तरे। सूचना दिए थे प्रशासन को इस तरह का धमकी मिला था? प्रशासन के हाँ, हम कोर्ट से अथी नोटिस करवाइले रही है, प्रशासन आकर जांच की थी यहाँ पे? ना प्रशासन न अल्थी ना कोर्टे में अपनी कागज है, कोर्ट में से ही प्रशासन के भी कोर्ट में से कागज चला, लेकिन प्रशासन कहियो ना दी पूछे कि हाँ तोरा कथी होला न होला। क्या उन लोगों से कोई विवाद चल रहा है? किनका से? जिन लोगों का नाम लिया ना विवाद कुछ न है। लोग हमारा दुश्मनगिरी से घर तोड़वा दिलक, आदमी के पहले हत्या करवा दिलक, ऐसी जेल में भेजवा के। कौन है ये लोग आपके पड़ोसी है क्या? मतलब हाँ रिश्तेदारे है, लेकिन मतलब पड़ोसिया कोई ना है, हमारे कोई ना है, वल्लभ के है, उधर करी घर है। अच्छा कल रात क्या ऐसी घटना घटी? कब रात? मतलब कि हमारे बउआ मतलब कि हमारा तबियत खराब रहे, हमारे पुतो ना रहे, एगो नैहर गए एगो कल नौता पूरे परसों में गए कल कथी गर्व के हम कहीं रे बउआ मन ना करे धान रोप के अली तो कल कि से ना मन करे तो छोड़ दे खाला बनाबे कि गे मम्मी से हम कुछ लिया दुनो वा खा लेब तब गलत तो है बर्गर लग 10 बजे रात के हम सुतल गोर उर जाँच दिलक हम डॉक्टर बोललक सुइया देवैलक आ कल कहते कि हो मम्मी के हमें ज़्यादा दिक्कत है से पानी उमी चढ़ा दियो तो कहे कि ठीक है सवेरे 8 बजे अब गोर उर जाँच के दुनो माए बेटा सुतली 11 बजे रात के फोन से बतिया दे को फोन कल तो निकल के गलक हमारा इतना सुनाई पर लग जग लही रही कि चार चक्का गड़ी अलग लेकिन गाड़ी के अथी हमें न बुझेलक कि बैटरी वाला जन गाड़ी रही कि कहते आवाज न रही गाड़ी में अब बाबू के हमारा बुला के ले गए तो हम कहे कि नींद पड़ गलक तो हम कहे कि सुतल है 5-4 बजे भोर में एगो लड़का अलग हमारा कहे कि हे गाय से गर्व चा कहाँ हथुन करे की बात है से गर्व तो सुतल है कहे छे ना गर्व चा कहाँ हथुन हे दाई से देख तो हम गेली उठ के बिछौना पर से जल से तो देखे घर में ना है तो कहे कहती हे दाई पोखरी पर देख तो गर्व चा के यहाँ से गली तो बाबू के हमारा पोखरी पर मतलब कि लटकैली हम ओजने हक्कर धुने लगली 4 बजे भोर से कोई हमारा आदमी न रहे। शामू में कोई फोन उन किया था क्या? हाँ गौरव के फोन कैले रही एगो तो बड़ा बाबू फोन कैले रहते आवे ला तो गाड़ी न रही तो न गली थाना पर गौरव हमारे कल कि गाड़ी न है तो सवेरे बोल भैया आएंगे 8 बजे तब आएंगे दिनेश बाबू फोन कैले रहती हमारा बाबू के 5-6 गोरा मिल गया और किसी दूसरे से सामने से बात जो किया हो? दूसरा से बात कल अब वह बात करते रही लेकिन वो दोसरे से बतियात रही पैसा उसा लगे हम जाऊ पैसा ला से मंगत रही कि जनु अथी रही
छद्दन उद्दन रही तो कहली रे गरब 1000 रुपया दे तो कहल कथी कि अभी ना से भैया आबे छथिन तो देव बाद में बतियात रही बतियाते गल अब एक बाद हमारा कुछो ना पता चल गड़ी से बोलल बाकी चार चक्का गड़ी अल से हम देखली कि पोखरी पर गल हम एजन से खड़ा होकर देखली उठ के बाद में हम कहली कि नींद पड़ गल हम कहली कि सुतल है बाकी 5-7 गोरा हमारा पर पूरा भिड़ल है ए में मुन्नो झा के हाथ है गौरव करता क्या था गौरव करता क्या था पत्रकार था गौरव गौरव मीडिया हां तो मैंने माइक लेके वो न्यूज़ वगैरह बनाता था प्रशासन से क्या मांग है आपकी प्रशासन से क्या मांग है अभी जो ये हादसा हुआ इससे क्या मांग इधर पूरे मामले पर तुर्की थाना प्रभारी कुमार प्रमोद सिंह ने बताया कि एक युवक का शव मिला है प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है एफएसएल की टीम को बुलाया गया है जांच की जा रही है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा आज सुबह 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि छाजन कसवारा में एक शव लटका हुआ आम के पेड़ से तत्काल हम लोग घटना पर आए शव की पहचान हो गया था नाम उसका जो है गौरव कुमार है पिता का नाम गणेशी भगत है घर छाजन कसवारा है इसकी हत्या कर जो है पेड़ में लटका हुआ है प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया तो जांच का विषय है हम लोग जाँच कर रहे हैं हत्या कहीं प्रतीत होता है एफएसएल की टीम आई थी उसके एफएसएल की टीम आई है जांच कर रही है डॉग स्क्वाड भी आया है वही जांच की है आगे अनुसंधान जारी है मौके से कुछ बरामद हुआ है मौके से तो उसका जो है मोबाइल है तो उसका जो है ये चप्पल वगैरह है ये सब बरामद किया गया दर्श न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट